क्या हुआ, गरबा में जाना है और कोई आउटफिट समझ नहीं आ रहा क्या पहन के जाए, और घर में ऐसा लग रहा है कोई आउटफिट तो है ही नहीं। तो मैं आज आपको 9 ऐसे आउटफिट दिखाऊंगी जो आपकी खुद की वार्डरोब में से निकलेंगे, एंड आपको उसको जस्ट डीआईवाई करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है तो आपका आउटफिट रेडी हो जाएगा गरबा के लिए। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड शीतल। सो आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जो गरबा आउटफिट होता है, गरबा नाइट्स के लिए जो आउटफिट होता है वो डीआईवाई करेंगे। वही वाले कपड़े यूज करेंगे जो हमारे घर पर अवेलेबल है। पूरे 9 डेज के लिए मैंने ये 9 आउटफिट अरेंज करे हैं, तो आप लोगों को ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज ये ना बहुत ज्यादा ईजी है। आप लोगों को ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालना पड़ेगा और आप लोग ना पार्टी में एकदम मस्त लगोगे, जो गरबा नाइट वाली पार्टी होती है उसमें। जस्ट बिकॉज सबको ना देख के ये भी लगेगा कि यार इस बंदी ने ना काफी एफर्ट्स डाले इस लुक को क्रिएट करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले लुक से, एंड मैं आपको 2 बोनस टिप्स दूंगी एट द एंड कि आप लोग आउटफिट तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप लोग अगर ये कर लेते हैं तो आप लोग और भी ज्यादा सुंदर मस्त लगोगे गरबा वाले दिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा जो फर्स्ट आउटफिट होगा, तो पहले आपको जस्ट क्या करना है, एक ब्लैक टी शर्ट लेनी है। आप लोगों को साइड में ना वीडियो भी देखते जाना, इसमें आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा हिंट मिल जाएगा। ब्लैक टी शर्ट ले लो, कोई भी ब्लैक टी शर्ट या वन पीस वगैरह है उसे इन करके डाल लेना, जो भी आपके पास कुछ ब्लैक अवेलेबल है वो ले लेना। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है, कुछ प्रिंटेड वाली स्कर्ट लेनी है, यू आर गुड टू गो। उसमें थोड़ी सी ज्वेलरी ऐड करो एंड मेकअप करो एंड बस मस्त है सब कुछ। लेकिन अगर ना आपके पास ऐसी स्कर्ट नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, थोड़ी प्रिंटेड वाली, लाइक एक आता है बांधनी प्रिंट, तो आप लोग उसकी स्कर्ट भी मिलती है। अगर वैसी वाली इस बांधनी प्रिंट वाली स्कर्ट है तो आप वो ले सकते हो। इवन पैच वर्क वाली स्कर्ट्स होती है ना, वो वाली स्कर्ट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो ले सकते हो। अगर मिरर वर्क वाली स्कर्ट अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हो ब्लैक टी शर्ट के साथ, एंड बहुत सारी ज्वेलरी पहन लो, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। यही था आपका फर्स्ट आउटफिट। सो गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट आउटफिट पे। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने ये अपनी जो ये स्कर्ट पहनी थी ना पहले नीचे, देन इसी स्कर्ट को मैंने लिया है एंड इसे एज अ ड्रेस पहनूंगी। तो उसको मैंने जस्ट क्या कर लिया, ऊपर से डाल लिया एंड जो उसकी स्ट्रिंग थी उसे अपनी नेक में से क्रॉस करके बांध लिया है। तो ये बहुत मस्त ड्रेस हो गई है, ऐसा नहीं है कि ढीली है या कुछ है, बहुत मस्त ड्रेस हो गई है। थोड़ा बॉडी को सेव करने के लिए मैंने एक बेल्ट लगा ली है जो कि बहुत ज्यादा मस्त लग रही है। एंड आप ना अगर कंफर्टेबल हो तो ऐसे भी जा सकते हो, बहुत बड़े बड़े इयररिंग पहन लो जैसे मैंने पहने। तो मैं ना इयररिंग्स का सब कुछ का लिंक मैं आप लोगों को नीचे भी दे दूंगी, आप लोगों को मिल जाएगा सब कुछ। ज्वेलरी भी मेरी जितनी भी है वो सब मीशो पे अवेलेबल है, तो मैंने मीशो से ही लिया था, तो आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप लोग ये ड्रेस देख रहे हो, ये हो गई है ड्रेस रेडी। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसी डेनिम वाली कुछ होती है ना जैकेट टाइप की, वैसी जैकेट पहन सकते हो, यू आर गुड टू गो। बस नीचे आपको, अगर आप लोग को नीचे ऐसी नॉर्मल एज अ ड्रेस पहन के जाना है तो वैसे भी जा सकते हो, अगर एज अ ड्रेस नहीं पहनना है तो उसके नीचे आप जैगिन वगैरह होते हैं ब्लैक कलर के वो डाल के जा सकते हो, देन यू आर गुड टू गो। सो थर्ड आउटफिट एकदम सिंपल है एंड मेरा फेवरेट भी है। चलो मैं दिखाती हूँ कैसे, कि आपको जस्ट क्या करना है, आपको एक जींस लेनी है एंड ये जो मैंने ली है, ये जो ट्राउजर नहीं होते पॉकेट वाले जिसके अंदर बहुत सारे पॉकेट होती है, वैसी वाली जींस है। एंड इस वाली ब्लैक डेनिम के साथ मैंने ये वाला जो ब्लू कलर का कुर्ती है, स्लीवलेस कुर्ती है, काफी प्यारी लगती है, ये ब्लू कलर की कुर्ती डाल ली है। एंड इसके ऊपर चोकर वाला नेकलेस जो कि काफी प्यारा लगता है गाइस, ये मीशो पे अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर लेना वहां से, काफी ज्यादा मस्त लगता है ये वाला। एंड मेरा ना पर्सनली सबसे इजी एंड सबसे मस्त वाला लुक मेरे को यही लगा था। एंड मेकअप आपको थोड़ा वैसे ही करना है लाइक मैंने जो कर रखा है यहाँ पे, कि आपको जस्ट वही है ब्लैक स्मोकी, हल्की हल्की ब्लैक स्मोकी आईज करनी है, एंड आपको थोड़ा बिंदिया या एक बीच में लगा ली, नीचे लगा ली चिन पे, एंड आईज के इधर भी लगा सकते हो। दिस इज आवर थर्ड आउटफिट एंड ये आउटफिट काफी मस्त है।
अब है हमारा फोर्थ आउटफिट। फोर्थ आउटफिट में आप लोग नीचे देख रहे होगा, ऑलरेडी मैंने ट्राउजर सेम पहन रखा है, लेकिन मैंने ऊपर ये वाली सैटिन की शर्ट पहनी है जो कि काफी ज्यादा मस्त है। देखो सैटिन का आप ये मेरे पास जो है ब्राउन कलर की, अगर आपके पास व्हाइट सैटिन है या ब्लू सैटिन है या कोई और सैटिन का कलर है ना, तो आप वो भी पहन सकते हो, क्योंकि सैटिन में शाइनिंग होती है एंड वो नाइट टाइम में ना बहुत ज्यादा मस्त लगता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है। एंड अगर व्हाइट सैटिन है ना तो बहुत ज्यादा मस्त लगेगा, एक बार ट्राई करना व्हाइट सैटिन के साथ। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये ब्राउन पहनी है एंड मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ज्वेलरी लगा दी है, जिससे काफी बोहो टाइप लुक आ रहा है एंड इट्स लुक अमेजिंग। बाकी मेकअप तो सेम ही है सारी वीडियोज में, मेकअप के लिए मैंने वो वीडियो अलग से डाल दी है, आप लोग मेकअप का भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं सच बता रही हूँ, मेरे को ना भी ये वाला ना आउटफिट काफी एफर्टलेस लगा एंड बस ज्वेलरी ऐड कर देनी है, यू आर गुड टू गो। सो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ आउटफिट। फिफ्थ आउटफिट के लिए मैंने ये मेरी ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, जो मैंने मीशो से ली थी सिर्फ 168 या 170 कुछ रुपीज की, एंड काफी सस्ती आई थी, इतने अफोर्डेबल प्राइस में मैंने मीशो से खरीदी थी। आप लोग भी ले सकते हो, नीचे लिंक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इस आउटफिट के साथ मैंने ये जैसे ही साड़ी पहन ली ऊपर से, ब्लैक ब्लाउज ब्लैक साड़ी, उसके साथ मैंने ये बॉर्डर करने के लिए, थोड़ा इसे एलिवेट करने के लिए मेरे पास ये गोटा रखा हुआ था, जिसे मैंने अच्छे से पीछे से पिन से लगा लिया एंड इट्स लुक नाइस। एंड इसके बाद मैंने ना काफी ये ज्वेलरी ऐड करी है, और ये लॉन्ग नेकलेस ऐड करा है क्योंकि काफी डिफरेंट लुक हो जाएगा, थोड़ा बोहो टाइप का अच्छा वाला लुक हो जाएगा। एंड मेकअप तो सेम है एंड इट्स लुक नाइस। आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है वो वाला जरूर कमेंट करके बताना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू नो विच वन इज योर फेवरेट। इस आउटफिट में मैंने वियर करा है ये वाला जो डेनिम है वो ब्लैक वाला, एंड उसके ऊपर मैंने स्पैगेटी टॉप लिया है। एंड ये है मेरी ब्रदर की शर्ट, जो मैंने चेक वाली ब्रदर की शर्ट ली है, उसके साथ मैंने वियर करी है ये बहुत सारी ज्वेलरी। एंड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी ज्वेलरी पहनना चाहते हो। इस टाइप की थोड़ी लूज शर्ट ना काफी अच्छी लगती है, एंड मैंने थोड़ा बेज टाइप का कलर चूज करा था, बेज एंड ब्राउन टाइप का, कि थोड़ा बोहो टाइप का लुक आए एंड काफी अच्छा लगे। तो आप लोग ना ये ट्राई कर सकते हो, ये वाला लुक ना आप लोग जैसे कॉलेज जाते हो या ऑफिस जाते हो उसमें भी ट्राई कर सकते हो, काफी मस्त लगता है नवरात्रि के टाइम। एंड यू आर गुड टू गो, ट्राई करना एक बार एंड कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है जरूर। सो हमारा नेक्स्ट आउटफिट है ये वाला जो गाउन है पिंक वाला, वो ये गाउन मैंने ना सरोजनी नगर से लिया था एंड ये काफी मस्त लगता है मेरे को, बिकॉज है ही मस्त। इसका ना थोड़ा बैक पे ऐसे सर्कल भी है जो मैंने अभी बालों से छुपा रखा था, क्योंकि मेरी ना थोड़ी आप लोग समझ जाओ वो हो रही थी, क्योंकि मेरे को जस्ट वीडियो बनानी थी तो मैंने ना सोचा इनर वियर क्या चेंज करूं। तो अगर आप लोगों को भी इस टाइप के ना गाउन वगैरह हैं आपके पास, कलरफुल गाउन टाइप, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ऐसे गाउन पे। काफी अच्छे से मैंने बॉडी को शेप देने के लिए सेम ब्लैक पैंट पहन लिया एंड उसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा ज्वेलरी पहन ली, एंड देन मेकअप तो आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो, तो यू आर गुड टू गो। बहुत इजी है, ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़े एंड लुक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक बार ट्राई करना एंड बताना जल्दी से। सो ये है हमारा लास्ट आउटफिट। ये मेरे पास ना ब्लैक कलर का गाउन था जो ब्लू लगता है, ये मैंने शायद मीशो से मंगाया था, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी एंड आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड इसमें मैंने ना ये काफी अच्छा मेरे को लग रहा है, ये ना एक दो दिन पहले मैंने ये वाला मेकअप करा था, ये वाला मेकअप करा मैंने एंड पूरा आई मेकअप बहुत ज्यादा मस्त हुआ था इसका। उसके अलावा मैंने ना काफी ज्यादा, आप लोग देख रहे हो आईज के इधर भी 3 डॉट्स लगाए हैं, अपने चिन पे लगाए हैं, यहाँ पे एक लगाया है, तो ये काफी ज्यादा एकदम ऐसा गरबा वाला, तो आप लोग ट्राई करना काफी मस्त लगेगा। ब्लैक कलर गाउन है एंड थोड़ी ज्वेलरी ऐड कर लिया बस, और कुछ नहीं। तो मैंने लास्ट में स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कुछ बोनस टिप्स भी दूंगी आप लोगों को। देखो आपको एकदम वैसे ही गरबा वाला लुक चाहिए तो चनिया चोली वगैरह वो सब लोग आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे वाले जो आपके नॉर्मल आउटफिट्स होते हैं उनमें थोड़ा गरबा वाला लुक डालना चाहते हो, उसके लिए ना आपको जस्ट थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज्वेलरीज में। आप लोगों ने देखा होगा मैंने स्टार्टिंग से डिफरेंट डिफरेंट ज्वेलरीज पहनी है एंड काफी मस्त वाली ज्वेलरीज पहनी है सारी की सारी। इस टाइप की जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है उनमें इन्वेस्ट कर लीजिए एंड मेकअप काफी अच्छा कर लीजिए जैसे मैंने करा था सेम टाइप का। तो उसके लिए आप लोग मेरी ये मेकअप वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, गरबा वाली, एंड ये मेरा ब्राइडल सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं। बाय।